कैंप आप लोग ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और अभी आप लोग ही कह रहे हैं कि आपको कुछ पता नहीं। देखिए मैम, हमने ये ट्रिप ऑर्गेनाइज की थी, इसमें हमारी क्या गलती है बताइए। देखिए वैसे हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमने वहाँ सर्च टीम भी भेजी है उन्हें ढूंढ निकालने के लिए। देखिए सर, ये रहा ये कैंप और ये दोनों उसके ऑर्गेनाइजर। बोलो मेरे मैम को क्या हुआ है, बोलो। मैम आप शांत हो जाइए, हमें बात करने दीजिए। आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। इसे आपके इस कैंप के चर्चे पूरे शहर में हो रहे हैं। हर का यही बात हो रही है कि आपके कैंप से सभी ट्रैकर्स गायब हो रहे हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे आना पड़ा। पर हम लोग उन ट्रैकर्स और जो उन्हें ढूंढने गए, उन्हें ढूंढने के लिए हम लोग आए। अरे आप तो बोलो क्या है उस पहाड़ पर, क्या हुआ है, मेरे बेटे को कहाँ भेज दिया? अरे मेरी बेटी वापिस आएगी भी नहीं, कुछ बोलो। हम तो हमारी बेटी का फोन नंबर ट्रैक करते करते यहाँ तक आ गए। प्लीज मेरी बेटी को ढूंढ लीजिए। देखिए आप लोग सब प्लीज शांत हो जाइए, हम जानते हैं कि आप लोगों पे क्या बीत रही है, मगर हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। तो मिस्टर टोनी। जी सर। सिमरन। जी सर। क्या गड़बड़ क्या? सर कोई गड़बड़ नहीं है, हमने तो बस एक ट्रेकिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया था इस स्नेक हिल पर, लेकिन ना ही वो लोग वापस आए ना वो रेस्क्यू टीम जो उन्हें वहाँ ढूंढने गई थी। अरे मैंने पहले ही कहा था। तुम कौन हो? जी मैं इनका बावर्ची हूँ और इसी गांव में रहता हूँ। पिछले एक साल से देख रहा हूँ कि जो भी उस पहाड़ पर जाता है वो लौट कर वापस नहीं आता है? लेकिन ये शरीर लोग मानते ही नहीं है, पहाड़ पे चढ़ाई किए जा रहे हैं। अरे तो तुम्हें बताना चाहिए था ना कि वहाँ जंगली जानवर है। नहीं मैडम, वहाँ पर जंगली जानवर आज तक कभी नहीं देखा गया। क्या ऐसा कैसे हो सकता है, इन्होंने तो कहा था कि हाँ हाँ। इनका कहना है कि जब ये अपने बेटे से बात कर रही थी फोन पे तो पीछे किसी जंगली जानवर के घुर्राने की आवाज सुनी थी। जंगली जानवर, प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। आप दोनों आप चलिए हमारे साथ। जी सर। सर हमें तो प्रॉब्लम है? नहीं 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 सर, चलिए आइए। सर यही जगह है वो जहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है, मुझे भी यहाँ आए हुए एक साल से ज्यादा हो गया। अरे ट्रैकिंग यहाँ इतने सालों बाद ऑर्गेनाइज हुआ है और हम लोग तो प्रोफेशनल ट्रैकर्स भी नहीं, पता नहीं इतने सालों में क्या कुछ बदल गया होगा। यहाँ ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो, यहाँ से हम लोग दो टीम में बट कर उन्हें ढूंढेंगे। ठीक है जी सर। हाँ सर, मैं क्या कहता हूँ, हम लोग सब लोग ना साथ में रहते सर, क्योंकि साथ में रहेंगे ना तो कोई भी खतरे का हम लोग मुकाबला कर पाएंगे, अलग अलग नहीं बढ़ते सर। तुम कहना क्या चाहते हो, अगर हम लोग साथ में नहीं रहेंगे तो खतरे का मुकाबला नहीं कर पाएंगे? नहीं 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 सर, मैं ऐसा नहीं बोला, लेकिन क्या? अरे मयंक और उसकी टीम यहाँ पर साथ में आई थी और फिर अलग अलग हो गई थी तलाशी करने के लिए और गायब हो गई सर। घबरा मत, हम लोग गायब नहीं होंगे। तो अभी यहाँ से मैं, सिमरन, निखिल और डॉक्टर तारिका साथ में जाएंगे और सचिन तुम, डॉक्टर सालुंके, पंकज, टोनी और जयवंत साथ में जाओ। सर सर मुझे आपकी टीम में रहना सर, आपकी टीम में। जाओ जाओ, तुम दया के साथ जाओ, घबराने वाले लोग मुझे चाहिए भी नहीं, बहुत ज्यादा घबराहट होती है। ठीक है पंकज, तुम हमारे साथ रहोगे। तो जैसे हमने यहाँ पे तय किया था दो टीम में हम लोग जाएंगे और आगे जाने के बाद अगर किसी को कुछ पता चलता है या कुछ दिखे तो एक दूसरे को इन्फॉर्म करना फोन से या फिर हवा में फायर करके। ठीक है? लेकिन यहाँ पे फोन लगेगा? फोन नेटवर्क तो है, लगना तो चाहिए। ठीक है, एवरीथिंग क्लियर? एक बात और देखो, जंगल वाकई खतरनाक हो सकता है, इसलिए कोई भी किसी को बिना बताए यहाँ वहाँ नहीं जाएगा। सब एक दूसरे के टच में रहेंगे। ठीक है? सुनसान जगह है, अजनबी जगह है, पता नहीं कितना खतरा हो, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता उनके साथ। सर खतरा तो सबके लिए बराबर ही होता है ना। पर मेरी चिंता मत करो, मैं अपना इंतजाम करके आया हूँ। सर नहीं नहीं, मतलब सबका इंतजाम करके आया हूँ। सर अगर कोई जीव जंतु मुझे आके उठा ले सर तो मुझे प्लीज बचा लीजिएगा सर, क्योंकि ये जंगल के साथ मेरा एक्सपीरियंस हमेशा खराब रहा है सर। चिंता मत करो, अगर तुम्हें उठा के ले भी गया ना हम वापस ले आएंगे, है ना, घबराओ नहीं, चलो लेट्स गो।
लगता है यहाँ पर कुछ हुआ है, फिर आसपास चेक करो। ये देखिए सालों के साहब, यहाँ हड्डियां पड़ी हुई, कौन हो सकते हैं ये लोग और किसने किया होगा इनका ये हाल? ये क्या? इंसान की हड्डियां हैं, खोपड़ी है, और पता नहीं है एक इंसान की है कि ज्यादा है। सर ये बॉक्स देखिए, लगता है कई साल पुराना है। लगता तो है। अरे देखो इधर, ये लगता है कोई कैंपिंग टेंट है यार। कुछ है? सर तो खाने का बिल है सन 2009 का, मतलब काफी समय से यहाँ पे कुछ हो रहा है। सर यहाँ पे इतनी सारी हड्डियां हैं, कैंपिंग टेंट है, ऐसा लगता है बहुत सारे लोग मारे गए हैं यहाँ पे, लेकिन कैसे? सर मुझे बहुत घबराहट हो रही है सर, सर हमें यहाँ से चलना चाहिए। देखो डरने की कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा, चलो आगे चल के देखते हैं। सर मुझे आगे नहीं जाना, मैं यहाँ नहीं मरना चाहती। सर वापस चलते ना सर, सर प्लीज। घबराओ मत, मैं हूँ ना, दया सर है ना, ये हाई हमें किसी को कुछ भी नहीं होने देंगे, टेंशन मत लो। बड़ी अजीब बात नहीं है, हमें लोगों के स्केलेटन और उनका बिखरा हुआ सामान मिल रहा है, लेकिन जिन लोगों को हम ढूंढ रहे हैं उनके बारे में कोई सुराग नहीं मिल रहा है, पता नहीं सब लोग कहाँ गायब हो गए हैं। हमें आगे चलकर देखना होगा। एक मिनट, लगता कोई तो है जो इन सब लोगों को गायब कर रहा है, पर वो सामने क्यों नहीं आ रहा? सर हो सकता है वो हम पे हमला करने का इंतजार कर रहा हो। हो सकता है निखिल, कोई तो है, कोई आवाज नहीं करेगा। ए, हिलाने, जो कुछ भी कर रहे हो उसे रोक दो, खड़े हो जाओ, चुपचाप खड़े हो जाओ, हिलाने। पिछड़ो पिछड़ो, अरे तो बेस कैंप में जो औरत थी सरिता, उसकी बेटी कीर्ति है और मर चुकी है। मर चुकी? बाकी के लोग कहाँ हैं? कोई नहीं है यहाँ। तुम कौन हो और यहाँ क्या करे? जी वो मैं, ये तुमने इसे मार दिया? नहीं मैंने नहीं मारा इसे, मैंने नहीं मारा। नहीं नहीं इसने नहीं मारा होगा, किसी जानवर का काम लगता है, ये अपने नाखूनों से अंदर तक का मांस नोच लिया जिस वजह से इसकी मौत हुई है। जानवर? और तुम्हारी ये हालत कैसे? इन लोगों ने की, उन्होंने उन लोगों ने किसने? आवाज कैसे? सुन रहे हो सचिन? हाँ सर, किसी जानवर के चीखने की आवाज लग रही है। जानवर की तो है बॉस, लेकिन ये एक से ज्यादा जानवर है। बस खोए हुए लोग हमें मिले ना मिले, लेकिन ये जानवर हमारा स्वागत करने को तैयार है। बी रेडी, हमें अपनी दूसरी टीम के पास पहुंचना चाहिए जल्द से जल्द। सर बिल्कुल, चलो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।